नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुके थे और रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसका एक प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा जब कोई बैंकिंग स्टॉक का रिजल्ट आते हैं तो उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ सीखने को जानने को मौका मिलता है। तो आप भी सीखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा बैंक के ऊपर किस बेसिस में कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पे टोटल जो इनकम है उसके बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम यहाँ पे जो देखने को मिला तो कितना, 38,762 करोड़ के आसपास। पिछले बार कितना था, 36,100 करोड़ के आसपास। पिछले साल में कितना था, 28,336 करोड़ के आसपास। ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो इनकम है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, और उसी बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। और देखिए एक्सपेंस किस तरीके से हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 24,600 करोड़, पिछले बार था 22,200 करोड़, और पिछले साल में था 18,027 करोड़। इसका मतलब इस क्वार्टर में, क्वार्टर वन में जो परफॉर्मेंस है, क्वार्टर फोर पिछले बार का और क्वार्टर वन पिछले सालों का, तीनों का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो इस बार सबसे ज्यादा पॉजिटिवली देखने को मिला है। और कंपनी के देखिए प्रोविजन, प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनीज के लिए। तो प्रोविजन अगर ज्यादा हो रहा है तो कंपनी के लिए प्रेशर है। तो कंपनी के देखिए इस बार प्रोविजन थोड़ा सा ज्यादा लगा, और वो भी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो प्रोविजन ज्यादा होने का मतलब है, मान के चलिए बैंक ने लोन बांटा कस्टमर को, और वो लोन कितने मार्केट से उठा पा ना पाए, मतलब कितने लोन अभी भी मार्केट में पड़े हुए हैं और वो लोन शायद बैंक और ना उठा पाए, तो उस तरीके से चीज को प्रोविजन एनपीए भी बोला जाता है। तो प्रोविजन बोला जाता है तो एनपीए थोड़ा सा आप देखेंगे तो एनपीए का परसेंटेज कितना बना। उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस चीज को देखेंगे तो कुछ कंपनी इस बार प्रॉफिट किया कितना, 9,600 करोड़, और पिछले बार कितना था, 6,900 करोड़, और पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 9,012 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। तो यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो परफॉर्मेंस है, जो एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो उस बेसिस में थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं चार्ट पैटर्न में, उसमें चिंता करने का जरूरत नहीं। आप एज ए ट्रेडर्स है, एज ए इन्वेस्टर है, तो उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं। आईसीआईसीआई बैंक जैसे कंपनीज के ऊपर आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से सोचना चाहिए। तो कंपनीज के जो पॉइंट्स में आपको हमेशा और बार बार दिखाता रहता हूँ वो है कंपनी का डिपोजिट। तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस वो देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस इस बार अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो रिजर्व जितना बढ़ेगा, और साथ ही साथ देखेंगे तो डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना बढ़ा, देखिए पिछले बार कितना था कंपनी का डिपॉजिट, करीबन देखा जाए तो 11,80,800 करोड़ के आसपास था, और इस बार वो बढ़ के हो चुके 12,38 मतलब 12,38,736 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही है, छोटा मोटा इधर उधर हुआ है, उसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटेल जो बैंकिंग है जैसे सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में जो पैसा आया इस बार कंपनी का हाईएस्ट पैसा आया, जो पिछले सालों से भी ज्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है। तो यही मेन कंपनी का मेन पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स है आपको कंपनी के बारे में जानकारी आपको मिलेगा, मतलब मिल चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।